हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकू नाटा एंड वेलकम टू माय चैनल रिंकूज किचन। आज की रेसिपी है गुड़केरी का अचार। गुजराती स्पेशल रेसिपी है ये, और ये वाला अचार जो है वो हर गुजराती के घर पे बनता है और बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही चटपटा बनता है ये अचार। तो चलिए शुरू करते हैं गुड़केरी का खट्टा मीठा अचार बनाना। गुड़केरी का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो राजापुरी कैरी ली है। आप चाहे तो लाड़वा कैरी भी ले सकते हो। और इसे हम सबसे पहले इसके छिलके निकाल देंगे। तो ये मैं सबसे पहले इसका टॉप निकालती हूँ और इसके सारे छिलके निकाल देंगे। कैरी को मैंने पहले ही धो के साफ़ कर लिया था और अच्छे से पोंछ लिया था, यानी इसमें बिल्कुल भी पानी की मात्रा नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों कैरी को छील लिया है और अब इसके हम पीसेस करेंगे। तो बहुत छोटे पीस नहीं करने हैं, हमें पीसेस थोड़े बड़े रखने हैं क्योंकि इसे हम सुखाने वाले हैं। तो सूखने के बाद कैरी की साइज़ जो है थोड़ी सी छोटी हो जाती है, इसलिए ये देखिए इस टाइप के बड़े बड़े पीसेस हम रखेंगे। इसे अब हम एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें डालेंगे 2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक कर हम 1 दिन के लिए ऐसे ही रख देते हैं। यहाँ पर 1 दिन हो गया है और इसे हम चेक करेंगे तो इसमें काफ़ी सारा पानी आ गया है। देखिए पानी छोड़ दिया है। तो अब इसे हम छान लेंगे अच्छे से और इसे करीब 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे छानने के ऊपर, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो यहाँ देखिए हमारे 10-15 मिनट के बाद ये पानी निकला है इतना। ये पानी हम साइड में रखेंगे, आप इसे दाल या सब्जी में यूज़ कर ले। और एक सूखे कपड़े पे इसे हम फैला के रख देंगे। ना इसे धूप में रखना है और ना ही फैन के नीचे, आप बस यूं ही घर में इसे एक कपड़े पे सुखा के 10 से 15 घंटे के लिए रख लेना। तो यहाँ पर ये सूख चुके हैं तो मैंने ये प्लेट में इकट्ठा कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो गुड़। हमने ली है 1 किलो राजापुरी कैरी, तो उसके साथ में बराबर मैंने 1 किलो गुड़ को चॉप करके रख दिया है। तो अब हम लेंगे बड़ा वाला एक बर्तन और इसमें डालेंगे 1 और 1/3 कप दाना कुरिया। ये आपको कोई भी जनरल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। और डालेंगे 1 टेबलस्पून मेथी, 1 टेबलस्पून राई का कुरिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 8 से 10 पीस लौंग, 1 टीस्पून काली मिरी, 2 इंच सिनेमन, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हींग और 3/4 कप गर्मा गर्म तेल डाला है मैंने। इसमें मैंने मूंगफली का तेल डाला है, आपके पास जो तेल अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हो। और इसे हम तुरंत ही 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये देखिए हमारी 5 मिनट हो गई है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे कवर करने से सारा अरोमा इसमें लॉक हो जाएगा, तो ये स्टेप बिल्कुल स्किप मत करना। अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो। और इसे इन सब चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने जो हमारी कैरी सुखा के रेडी रखकर के रखी हुई है, ये कैरी इसमें मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मसाला और कैरी सब चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमने जो गुड़ कटिंग करके रखा था वो हम इसमें मिक्स कर लेंगे। आप गुड़ जितना हो सके उतना आप बारीक बारीक चॉप कीजिए। धीरे धीरे करके सारा गुड़ हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। और अब आगे का स्टेप है, हमें हाथों से करना है। अब हाथों से हम ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सब चीज़ अच्छे से आपस में मिक्स होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से हमारी मिक्स हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे हाथ से दबा देंगे। ये देखिए ऐसे इस ढंग से सारी चीज़ों को हाथ से ऐसे प्रेस कर देंगे और इसे ढक्कन लगा के रख देंगे। इस अचार को बनने में 2 दिन लगते हैं। इसे हम 2 दिन तक ऐसे ही रख देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। 3 से 4 बार चलाना है। ये सेकेंड डे है अचार का, तो इसमें थोड़ा थोड़ा गुड़ की डलियाँ दिख रही है, यानी ये अचार हमारा पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है अभी तक। तो इसे हम और 1 दिन के लिए रख देंगे। ये 1 और दिन हो गया है और अब देखिए जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ तो ये अच्छे से इसमें गुड़ मिक्स हो गया है और इसमें मुझे एक भी गुड़ की डली नहीं नज़र आ रही है और अच्छा खासा रसा भी हो गया है। गुड़ अच्छे से पिघल चुका है। ये देखिए हम मिक्स कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है। तो ये अचार हमारा रेडी है, इसका मतलब इसमें एक भी गुड़ की डली नहीं दिख रही है, यानी हमारा ये अचार जो है वो एकदम रेडी हो गया है।
तो इसे अब हमको साल भर रखने के लिए इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेंगे। और ये गुड़ कैरी का जो इस तरह का अचार रहता है ना, ये थोड़ा सा रसा इसमें ज़्यादा ही रहता है। तो ये देखिए हमारा एकदम बढ़िया सा गुड़ कैरी का अचार तैयार हो गया है और अब इसे हम भर देंगे एक एयर टाइट कंटेनर में। लीजिए हमारा ये बढ़िया सा गुड़ कैरी का अचार तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी और यमी बना हुआ है। आप ज़रूर से इसे एक बार घर पर ट्राई करना। ये गुजराती रेसिपी है, ये हर गुजराती के घर में बनता ही है गर्मियों में, और आप भी इसे ज़रूर से एक बार बना के देखना। और मेरा ये गुड़ कैरी का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते रहेंगे कुछ ऐसी ही यमी यमी रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू, बाय बाय।